हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है, दिस इज द फ्यूचर ऑफ गेमिंग, 3D रियल लाइफ गेमिंग। चलो देखते हैं भैया क्या है ये। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं भैया ये फ्यूचर ऑफ गेमिंग क्या है। कैसे हैं दोस्तों, काफी उल्टे सीधे चश्मे हमने ट्राई करे, कोई ऊपर दिखा रहा है, किसी की तक आंख है, को दुनिया ही बदल दे रहा है, बट अब समय आ गया 3D गॉगल्स। यार बॉक्सिंग दर्दनाक ना हो जाए बस। ये कोई नॉर्मल चश्मा नहीं, 40,000 रुपए का चश्मा है। ऑक्यूलस इसका नाम है, और जिन लोगों को नहीं पता है, फेसबुक ने इस 3D गॉगल्स को बनाया, जिसको पहन के आप अपनी दुनिया में खो सकते हैं। बैक साइड में स्टार वॉर्स जाने, पहाड़ी चढ़नी, जुरासिक पार्क के साथ उसे बीट वीट बनानी है, बीट तो हम बनाएंगे असली। बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि हम काफी टाइम से वेट कर रहे हैं और अभी जस्ट आए हैं। ये नेचुरल साउंड दे रहे हैं। हमारे स्मार्टफोन में टॉर्च है। तो ज्यादा है नहीं, ये वाला ऑक्यूलस का हेडसेट है, इसको हम रख देते हैं साइड में। ये इसके दो हाथ में पकड़ने वाले झुंझुने, इसके नीचे ऐसे लगा रखा है, ऐसे ऐसे बस डिस्को डांस होता है रात में तो आवाज करते हैं। और ये वाली एक डब्बी दे रखी है जिसमें एक केबल है जिससे हम चार्ज वार्ज करेंगे। और ये थोड़ी पुस्तक है, बट ऑनलाइन क्लासेस में आजकल गूगल चल रहा है तो पुस्तकों का इस्तेमाल खत्म ही हो गया है। फटाफट एक बेसिक ओवरव्यू आपको दे दे, ये काफी सॉफ्ट सा एक रबराइज प्लास्टिक है, ये आंख वाला है जिसको आप हिला के एडजस्ट कर सकते हो अपनी आंखों के हिसाब से। हर कोने में 4 कैमरा लगे हैं जो ट्रैक करके आपको चीजें दिखाते हैं। और ये वाला पूरा प्लास्टिक बेल्ट है, ऊपर स्ट्रैप वाला भी प्लास्टिक का है, और स्पेक्स में से इसमें कुछ काम की नहीं है, बट इसमें स्नैपड्रैगन XR2 है जो इसके लिए स्पेसिफिकली VR के लिए बनाया हुआ है। 90 FPS में आपको एक्चुअल दिखता है, रियल लाइफ की FPS तो पता नहीं क्या ही होती है। उसके साथ साथ 6GB रैम और काफी सारे स्टोरेज वेरियंट आपको देखने मिल जाते हैं। अब आ जाते मेन चीज के ऊपर, की कर क्या सकता है, रोका नहीं जा रहा, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो रखी है। VR वाला वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड को दोनों को साथ में मिला के काफी मजेदार सी फील दे रहा है इसमें। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे और यहाँ पे कैमरास हैं, और ये चारों कैमरास को ट्रैक करके आपको आंखों की तरह ही एक विजन दिखाता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी क्वालिटी बेकार रहेगी बट आपको आइडिया लग जाएगा। ये हमारा बाहर का वर्ल्ड है। और इसको मैं अगर हेडसेट के थ्रू दिखाऊं तो ये हमारी बड़ी सी स्क्रीन है, ये वाली हमारी बाउंड्री है जो जमीन पे आपको दिख रही है। और अगर इससे बाहर निकलते हैं तो ये रेड रेड वाली लाइन आने लगती है, सारा 3D में हो रहा है और ये बहुत ही ज्यादा एपिक लगता है देखने में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये वाला हमारा वर्चुअल वर्ल्ड है, ये हमारी चेयर है जिसपे हम बैठ के टाइम पास करते हैं, और ये वाला हमारा मेन्यू है जिसपे हम देख के चीजें करते हैं। जो हमारे कंट्रोलर्स हैं वो आपको रियल लाइफ में ऐसे दिखेंगे, और रियल लाइफ में मूव कर सकता हूँ अपनी, जैसे मैं उंगली भी मूव करता हूँ ना तो ये गेम में भी मूव करता है उंगली हिसाब से। और अंगूठे से दबाने का अगर एक्शन करूं तो ये ऑक्यूलस में भी सेम ही दिखाता है। बट एक और बहुत ही ज्यादा एपिक चीज, अगर मैं चाहूं तो अपने हाथ भी रियल टाइम में यूज कर सकता हूं। जैसे कि आप लोग दिख रहे होंगे मैं अपनी उंगलियां मूव कर रहा हूं और ये इसके अंदर भी मूव हो रहा है। मेरे को यहाँ पे अगर स्क्रॉल करना है तो मैं अपने हाथ से ऐसे पकड़ के स्क्रॉल कर सकता हूँ। अगर मेरे को किसी चीज के ऊपर क्लिक करना है तो मैं यहाँ पे ऐसे करके क्लिक कर सकता हूँ। ये सारी गेम्स है जो हमने इंस्टॉल कर रखी है, और ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रहा है क्योंकि मैं अपने हाथों को यूज कर रही हूं रैंडम चीजें VR में यूज कर। ओह माय गॉड, इस तरफ जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाली टेबल है जिस पे हम VR में थपथपी बजाते हैं। जब भी हम एक तगड़े VR एक्सपीरियंस की बात करते हैं हमारे दिमाग में आता है एक कंप्यूटर से कनेक्टेड एक हेडसेट होगा जिसमें सारी चीजें चलेंगी, बट ये पूरा ही वायरलेस है, सारा कुछ इसके अंदर ही है। आराम की जिंदगी जीना सीख चुके हैं फ्रेंड्स, बट अब असली आराम नेटफ्लिक्स एंड चिल। नेटफ्लिक्स ने हेडफोन तोड़ दिया ऑपरेट हो जाएगा, इसलिए हम खोल देते हैं यूट्यूब और चिल कर लेंगे दोस्तों। टेक बर्नर की वीडियो देखते हैं, हम देखेंगे अपनी पुरानी वीडियो। ये वाली स्क्रीन आपको वीडियो पे एकदम छोटी स्क्रीन दिख रही है, बट जो हेडसेट में दिख रहा है मेरे को, ये एटलीस्ट एक 10 मीटर बाय 10 मीटर की पूरी बड़ी सी दीवार है जिसके ऊपर पूरी मेरी वीडियो प्ले हो रही है, और एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मैं थिएटर में मूवी देख रहा हूँ।
और इस स्क्रीन को अगर मैं बड़ा करना चाहूँ अब मेरे को लिटरली अपना चेहरा देखने के लिए ऊपर देखना पड़ता है और इसे साइड में देखने के लिए साइड में देखना पड़ता है। ऐसा फील हो रहा है सस्ती टिकट यहाँ थिएटर में वो आपने खरीद ली है, गर्दन टेढ़ी करके देखे जा रहे हैं। दोस्तों इस इंटरनेट चलाने का भी अलग ही मजा है। यहाँ पे हमने बीच में एक बड़ी स्क्रीन में यूट्यूब खोल लिया अपना, यहाँ पे साइड में फेसबुक चल रहा है अपने कमेंट वमेंट रिप्लाई करें, और सबसे राइट साइड में अपना सबसे इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल, और ये पूरा मल्टी मॉनिटर वाला सेटअप हमने कर लिया। और हर मॉनिटर पे हम मल्टीपल टैब्स भी खोल सकते हैं। इस वाले पे एक टैब खुला हुआ है, इसको हम ऐड करके इसमें एक टैब इंस्टाग्राम में खोल सकते हैं। इस वाले में भी दो तीन टैब, जितने टैब आप चाहो उतने खोल सकते हैं। तो बहुत ही इमर्सिव सा एक्सपीरियंस है। और पीछे जो पीछे दिख रहा है आपको वही टेबल हम बजाते हैं, हर चीज दोस्तों वीआर में कर रहे हैं। तो हम वीडियो एडिटिंग भी हमने सोचा वीआर में कर ली जाए, यहाँ से उठाया। फाइनल कट प्रो है जो हमारे लैपटॉप पे चल रहा है, जो मैं डायरेक्टली वीआर में इस पे देख सकता हूँ। और खाली एडिटिंग नहीं भाई, अपने लैपटॉप की मैं कोई भी चीज चला सकता हूँ जो मेरा मन करे। समझ लो दोस्तों, फोटोशॉप करने का मन कर गया, यहाँ पे टाइपिंग कर दी। और सबसे ज्यादा भी पता क्या लगता है, मैं अपने हाथों को यूज करके स्क्रीन पे चीजें कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसे क्रिएट कर सकता हूँ, टेक्स्ट का बॉक्स हमने कर दिया, या फिर कोई मेरे को बटन दबाना है तो मैं उसको टच कर सकता हूँ। बहुत ही एक वियर्ड सरियल सी फीलिंग देता है। और मेरे को कीबोर्ड में टाइप करना है, मैं छू छू के टाइप कर सकता हूँ। मतलब अजीब सा लग रहा है, लग रहा है अंदर घुस गया हूँ इसके। काम वाम करके जो आप थक जाएंगे तब एक्सरसाइज भी हम वीआर में करेंगे। वीआर अच्छा यार, जैसे ऐसे पोज बताएगा वैसे ऐसे मुझे रहता भाई। तो ये पुशअप मारने के लिए बोल रहा है। हमें दिक्कत आ रही है, हम क्या कर रहे हैं? नहीं लोग देख के बोलेंगे ये क्या हो रहा है इसको। अच्छा हालत खराब होगी। वर्कआउट तो बच्चे करते, असली मर अपनी उंगलियां थिरकाते हैं, गाना बजाते हैं, अपनी बेस्ट क्वालिटी गाना बजा ले, उसके लिए चश्मे अपग्रेड कर लेते हैं। हम अपना गाना बजा के सुनाते हैं आपको एकदम अपनी मधुर आवाज में। कहाँ पे नहीं है मुझको आना, रोज गाना बजाना, फिर उठ के बिना नहाए जाना। ओ माय गॉड, दिस इज द बेस्ट गाना। वाओ वाओ दोस्तों, बहुत घूम लिए चार दीवारी के अंदर, अब खुला चुको ज्यादा खुला भी नहीं, बट खुली हवा लेने का समय आ गया। पहाड़ों पे चलते हैं साथ में, जाने के लिए गाड़ी से ड्राइव करके जाना पड़ेगा। लाल गाड़ी चलाई जाए कि ब्लैक गाड़ी चलाई जाए, ओह माय गॉड ऑरेंज तमाम लगता है गाड़ी भाई, बैठ के चलानी पड़ती है। ये ड्रिफ्टिंग, ये भी हमारे साथ जा रहे हैं दोस्तों, ये भी पहाड़ी जाना चाहते हैं। मेरे ना पेट में दर्द सा होने लग रहा है भाई। दोस्तों पहाड़ी उस तरफ, यही पहाड़ी पे जाना है हमको। रुको जो रिवर्स में डाल देते हैं, वो रिवर्स में लेके जाएंगे, पीछे रह गई पहाड़ियां भाई। भाई एकदम चीज हो, ऑल्दो ग्राफिक्स कुछ खास नहीं थे बट इतना ज्यादा इमर्सिव रहता है ना, और जैसे आप गाड़ी मोड़ोगे उसी तरह से स्क्रीन भी सब कुछ होता है, तो ऐसे लगता है कि मैं एकदम ऐसे सही में गाड़ी चला रहा हूँ। मेरे पेट में एक्चुअल में दर्द हो रहा है, जैसे मोशन सिकनेस नहीं होती, और जब ऐसा होता है ना गाड़ी ठुकने सी वाली है, तो फिर डर सा लग रहा है बंद सी हो जा रही थी, और जब ठुक जाती तब रिलाइज होता भाई तो गेम के अंदर। बहुत ही मजेदार, बहुत मजा सा है। बट हम पहाड़ी पहुंच गए तो पहाड़ियाँ देख भी ली जाए बढ़िया सही। हम पहुंच गए ऑस्ट्रेलिया की पहाड़ियों पर, यहाँ अंकल जी मछलियों को खाना खिला रहे हैं। चलो हम उनके पास चल लेते हैं थोड़ा सा। हेलो अंकल जी। हेलो आंटी जी, आप कैसी हैं? काफी सारे लोग आ गए हमारे पीछे पीछे, पानी लग रहा है बढ़िया साफ। अंकल की ब्लू टोपी मस्त मैचिंग पहनी हुई। अरे अंकल जी यहाँ नीचे का लेट गए, पैर लग जाता फिर। कहीं और भी चल लेते हैं, रुको झुमरी तलैया चलते हैं। अरे झुमरी तलैया, अरे झुमरी तलैया पहुंचे। अरे अंकल जी आप भी थे यहाँ पे, प्रिंटिंग होती है झुमरी तलैया में, जैसे कि आप देख सकते हैं। इन सब लोगों को भी कभी क्यूरियोसिटी लगी रही होगी, ये भी चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को एक गेम वाला एक्सपीरियंस रियल लाइफ में दिखाने के लिए मैंने ग्रीन स्क्रीन सेटअप करी। यहाँ पे कंप्यूटर कैमरा सारी चीजें एक साथ हम सिंक करके दिखाने की कोशिश करेंगे। तो 1 2 3 और तो जीत के छोड़ेंगे दोस्त। स्क्रीन दिख रहा ऐसा है और एक्चुअल रियलिटी में वो है वीआर में। ये क्या हो गया? तो वीआर में तुम अपने आप को भी देख सकते हो। नहीं वीआर में ये खुद है ना, ये रिकॉर्ड हो रहा है। यार मेरे लिए अच्छा है। वो जो बंदे होते हैं ना दोनों हाथ से लिख लेते हैं पेपर में भाई भाई। तेजी से खेला जा रहा, पार हो गया पार। अब
बॉक्सिंग भी सीख लो भाई यहाँ पे, सब कुछ सीख सकते हो तुम। और एक्सप्रेशन की शक्ल भी वैसी है। अपने आप को ही देख रही है, नहीं कि कोई तुम्हारे तुम कोई और आदमी है तुम्हारे एक बार इमेजिन करो कैसा हो कि पबजी के अंदर घुस के हम खेल ऑलमोस्ट पबजी जैसी गेम को पूरा वीआर में खेलने का एक्सपीरियंस बिल्कुल है। इस पे गेम है पॉपुलेशन बन करके उसको भाई खेल लेते हैं। ये भी एक बैटल रॉयल गेम है और पबजी और फोर्टनाइट काफी मिक्स सा लगती है। ओए हमारे भाई बंधु है जो लॉन्च हो गए वो भाई हमको भी लॉन्च करना भाई। पबजी के प्लेन में मेरा तो हाथ ही फेल हो गया, ऐसे फूटेगा करना पड़ जाता है। सबसे पहले दोस्तों खेला कर रहे हैं ना खेला, फिर तो रियल लाइफ में खाने की जरूरत ही नहीं, सच में खा रहे इस वाली में थोड़ा डिफरेंट है, इसमें गोली मारनी है। ओ भाई मुक्के मेरे से लड़ोगे एमएमए स्पेशलिस्ट। ओ ये टेबल से एनर्जी आती है यार। ओ बंदूक और तो तुम क्या कर रहे हो? क्रीड पता नहीं कितने लोगों ने पिक्चर देखी है बट भाई ये रियल लाइफ मूवी भी हम खेलेंगे भाई। अब लड़ेंगे ये देखो भाई के ग्लव बॉडी ऑडी बन गई है भाई की। ये देखो ये वो भाई इसकी ग्राफिक्स बहुत ही सही है भाई, ऐसा लगे रियल लाइफ में मार देगा। या फिर किसी एक चीज को यूज कर रहे हैं गेम के अंदर जाने के लिए, इसमें हम गेम के अंदर खुद घुसे हुए और जो एक्सपीरियंस है वो भाई बहुत ही ज्यादा अलग लगता है। वो तो ग्राफिक्स एकदम रियल लाइफ वाली नहीं है बट जैसे अब गाड़ी ठुकने वाली होती है तो आंखें एकदम से बंद हो जाती है, फिर आप किसी एक वाटरफॉल में ऊपर खड़े हो आप नीचे देखोगे आपको एक्चुअल डर लगता है, धड़कने तेज हो जाती है, पेट में गुड़गुड़ होने लगता है। और ये हर गेम में ही है, काफी सारी ऐसी गेम्स है जो आपको बताती है कि भाई मोशन सिकनेस की अगर आपको दिक्कत होती है तो आप ये गेम मत खेलो क्योंकि एक्चुअल पेट में दर्द होने लगता है भाई। और ये एकदम रियल चीज है। मैंने और जितनी वीआर वाली चीजें ट्राई करी उसमें इतना रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं था बट इसमें डेफिनेटली एक बहुत ही तगड़ा बड़ा स्टेप अप। जब इसको पहली बार कड़पा बोला था तब इतनी एक्सपेक्टेशन बट भाई काफी ज्यादा मजा आ गया। मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ वीआर एआर इन सारी चीजों के लिए। तो फ्रेंड्स कमाल का है जो हमने देखा था ना, उसमें ऐसा नहीं था कि आप यहाँ से ऐसे टाइप कर रहे हो और वो सब हो, पर जैसे गेम खेल रहे हैं वो सब था कि आप गेम में बैठे हुए हो और आपको लगेगा कि आप नीचे देख रहे हो तो आप नीचे गिर रहे हो, वो सब कार चल रही है वो सब था। तो ये मेरे को लगता है कि ये नई चीजें इन्होंने डेवलप करके और एडवांस कर दिया है वो अमेजिंग था। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, मैं तो इतनी कंफ्यूज हो गई, जब आपके सामने वो है ही नहीं स्क्रीन तो वो कैसे आपको एक स्क्रीन आपका वो दिखा देता है कीबोर्ड वर्चुअली जो है ही नहीं और आप उसको करो और वो आपका इंटरनेट खोल देगा, जैसे आपके लैपटॉप में आपको दिख रहा है वो लैपटॉप जो आएगा वो सारी स्क्रीन में दिखा देगा और वो अपने आप हो रहा है। बहुत ही मैं तो चमत्कार, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि ऐसे कैसे हो रहा है, बियॉन्ड माई इमेजिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग है ये। पर बहुत ही अच्छा था, मेरा तो मन कर रहा है कि मेरे पास भी ये हो क्योंकि मेरे एक तो वो एक्सरसाइज वाला मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे वो बताएं और तुम यहाँ पे कर लो। पर यही है ना, आपके पास जितनी मर्जी चीजें आ जाए, जो आलसी होगा आलसी रहेगा। पर मैं ये पता ही क्या सोच रही थी, सबसे इम्पोर्टेंट कि आजकल की जो जेनरेशन है उनको ये मिल जाए, अभी फोन की एडिक्शन है, अब ये आ जाए तो जो बच्चे हैं वो तो घर से क्या कमरे से भी बाहर नहीं निकलेंगे, वो तो इसी को पहन के 24 आवर्स बैठे रहेंगे घर कमरे में ही। कभी वो बोलेंगे कि हम गेम खेल रहे हैं, कभी बोल रहे होंगे कि हम कुछ और कर रहे हैं, कंप्यूटर पे भी कुछ काम करना होगा इसी से करेंगे। तो देखो क्या हालत होगी, जैसे हम मूवीज में देखते थे
उस टाइप की जो सिचुएशन है वो रियल लाइफ में हो जाएगी कि बाहर होता क्या है, जिंदगी क्या है बाहर की, किसी को पता ही नहीं। 10 साल बाद बाहर निकलो, अच्छा ये लाइट है, ये स्काई है, ऐसी नौबत ना आ जाए। मुझे तो ये लग रहा है पेड़ कैसे होते हैं, हमने रियल तो देखे ही नहीं, कमरे में ही बैठे रहते हैं, वहीं देखते हैं। अमेजिंग है वैसे। सो काफी अच्छा वीडियो था, और हमने ऑक्यूलस जो ट्राई किया हुआ है, और जो फर्स्ट पॉइंट हमें आया था ऑक्यूलस में वही आया था कि जब हम रोलर कोस्टर में जाते हैं हमें समझ नहीं आता हम क्यों डर रहे हैं भाई। रोलर कोस्टर पर जाता हमारी हार्ट बीट तेज हो गई थी, रोलर कोस्टर की तरह लग रहा था हवा भी आ रही है इतना लग रहा था, और धक धक हो रही थी, और हमें चक्कर भी आ रहे थे, पेट में हो रहा था, तो उससे हम लोग मेस्मराइज हो गए। हमने मेरे ख्याल से ये 4-5 साल पहले जब नया ऑक्यूलस आया था, एटलीस्ट 4 साल हो चुके होंगे, 4-5 साल पहले ऑक्यूलस ट्राई किया था। अब ये दूसरा वर्जन होगा, लेटेस्ट वर्जन। उस ऑक्यूलस में भी इतना दम था कि जब हमने पहना था हाथ पैर खड़े होकर देख के कि ऐसा लग रहा है वाकई रोलर कोस्टर में बैठे हुए हैं, मतलब इतनी हार्ट बीट तेज हो गई थी, और लग रहा था शॉक हो रहा है, और आपको ये भी लगता था कि बड़ी ऊंचाई है, डर लग रहा था कि गिर ना जाए, नीचे देखो तो आपको लगता था मर जाएंगे। उस वक्त रियलाइज हुआ था कि ब्रेन को फर्क नहीं पता चल रहा, ब्रेन नहीं फिगर आउट कर पा रहा कि भैया तू वहीं खड़ा है भाई, तुझे ये पहना है, बट जैसे वो पहनते हो और तुम्हें अगर तुम वाकई लगता है ऐसा है, कई बार अगर तुम्हें लगता है कि मैं यूं गिर जाऊंगा, मतलब ब्रेन इमीडिएटली अडैप्ट कर लेता है उस एनवायरनमेंट में, और फिर ध्यान से हम लोग चलते हैं कि कहीं गिर ना जाए, पानी का स्ट्रेच आ रहा है, पत्थर पड़े हैं, तो तुम बहुत ध्यान से चलते हो, तुम्हें ब्रेन को पता नहीं चलता, और तुम्हें लगता है कि मैं गिरा तो गया, और जब अगर गिर रहे हो तो तुम्हें फील ऐसे होती है कि सच में गिरने वाला हूं, उसका पूरा स्क्रीन चलता है, और आप हाथ ऐसे कर रहे होंगे, बाहर से देख रहे होंगे, बोलेंगे पागल हो रहे क्या कर रही है। मगर ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इसीलिए मैंने कहा था कि ये कुछ लोग जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए बहुत यूजफुल है, कुछ लोग जो हैं जैसे कंप्यूटर्स के लिए बहुत हैंडफुल है। एक समय में ऐसा होगा कि वो ऑक्यूलस भी एक कंप्यूटर होगा, आप पहनिए, बड़ा स्क्रीन आ गया, आप टाइप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ना कुछ की मैं भी एडिटिंग भी इसमें ये था कि इनको कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ रहा था, मगर एक समय पे ऐसा होगा वही कंप्यूटर है, पहनिए और आपको कोई कीबोर्ड नहीं चाहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था वीडियो में आपको कीबोर्ड नहीं चाहिए, अब यूज करके वर्चुअल में टाइप कर सकते हैं, तो सर मतलब काफी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आपने बस ये पहना और बंदा अपना वहां काम कर रहा है, सारा काम खत्म करके चला गया, सब कुछ कर लिया, कहीं क्लाउड में सेव हो गया, तो बहुत ही और गूगल इस पे बहुत ही काम कर रहा है, और बहुत अच्छी बात है कि आगे बढ़ रहे हैं। ऑक्यूलस मुझे पता नहीं था कि इतना एडवांस हो चुका है 4 साल में, विच इज अमेजिंग टू सी। मगर गेम्स के तो यह है कि बच्चों को गुमराह कर देगा, बच्चे जो है इन्हीं गेमों में लगे रहेंगे, उनको कुछ पता नहीं होगा आउटसाइड वर्ल्ड का, और वहीं पर इंटरनेट करें वहीं, और जैसे आपने साइंस फिक्शन की मूवीज देखी है उसमें ये होता है साइंस फिक्शन में कि वर्चुअल रियलिटी में मर भी सकते हैं, मतलब इतना पंगा पड़ जाएगा कि वहां मर गए तो यहाँ मर जाएंगे। मुझे याद नहीं आ रही कौन सी मूवी थी या कौन सा एक सीरियल था, मैट्रिक्स पुराना था, मैंने रिसेंटली कुछ सीरीज देखी थी उसमें यही था, जिसमें अगर आपकी पर्सन के डाइन वर्चुअल ऑल्सो जैसे इन वर्चुअल रियलिटी में गए वहां पे अगर मर गए आप तो यहाँ भी मर जाएंगे, एंड ऑफ स्टोरी। तो बहुत ही मुझे अमेजिंग लग रहा है कि गूगल ने इतना आगे बढ़ गया गूगल ऑक्यूलस में, और डेफिनेटली हम भी इसको खरीदेंगे, यूएस में इतना महंगा नहीं है कंपेयर टू इंडिया, और इसमें जो है फायदा ये होगा कि शायद आप जिम के बदले एक्सरसाइज में काफी फायदा होगा, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप पुशअप्स कर सकते हैं, आपको लगेगा आप म्यूजिक ऑन कर सकते हैं, तो आपको वर्चुअल में बहुत चीजें मिल जाएंगी जो आपको हेल्प कर सकती हैं, और बाद में मेरे ख्याल से इंटीग्रेट भी करेंगे गूगल लाइव से, क्योंकि गूगल जो है उनके जो दो फाउंडर्स थे मैं उनका नाम भूल गया, उनमें से एक फाउंडर जो है वो इन टाइप के गैजेट्स बनाते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर में, और एक गैजेट्स वाले, तो गैजेट्स वाले हैं ये जो बना रहे हैं, और ये इंटीग्रेट करेंगे सब चीजें, गूगल ग्लास भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, बहुत कुछ कर देंगे। सो इट्स अमेजिंग है, बहुत अच्छा लगा देखकर कि अब नया वर्जन इतना स्ट्रांगर आ चुका है, तो अब लग रहा है कि जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली हमें खरीदेंगे, एटलीस्ट जिम के पर्पज के कि आप एक्सरसाइज कर पाए। हाँ फ्रेंड्स, पर मेरा पता है दिल धुक 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 कर रहा है, डर रहा है, घबरा रहा है कि क्या क्या होता जा रहा है। अब इतनी एडवांसमेंट भी शायद पता नहीं अच्छी है कि नहीं है, हमें तो मुझे तो अपना पुराना जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, जैसे बाहर बच्चों का खेलना बंद हो रहा है, अब ये आ जाएगा तो और पता नहीं क्या क्या होगा, डर भी लगता है, घबराहट भी होती है कि अच्छे के लिए है, कहीं कोई नेगेटिव इफेक्ट्स तो नहीं हो जाएंगे इसके, तो वो भी सोच के घबराहट होती है। पर अभी उन्होंने कहा है ना कि अभी इनकी जो पिक्चराइजेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, फील अच्छी है, तो अभी टाइम के साथ मेरे ख्याल से इतनी अच्छी हो जाएगी, पूरा रियल लगेगा, मगर ब्रेन को फर्क नहीं पड़ता, ब्रेन को नहीं, वो फील तो वही, जब आप वो करें आपको लगता है वहीं पर ही है, आपका ब्रेन नहीं समझ पाता कि आप खड़े हैं, तो दैट इज अ ग्रेट पार्ट।
और नहीं पर अगर जब अगर पिक्चर भी अच्छी आ जाए तो सोचो गूगल तो आगे बढ़ता चले जाएगा, हर कंपनी आगे बढ़ती चली जाएगी। मगर जैसा फ्यूचर में प्रेडिक्ट हुआ है कि बंदे मर सकते हैं वर्चुअल में, तो यहाँ मर सकते हैं, तो देखेंगे कैसे वो मेक श्योर करेंगे। इसमें ये भी मैं अच्छा सोचा था कि अगर मान लीजिए किसी को कराटे सीखना है, किसी को बॉक्सिंग सीखनी है, तो आप सॉफ्टवेयर ले आइए और वहीं से बॉक्सिंग प्रैक्टिस करिए, वहीं कराटे प्रैक्टिस करिए, और आपको जरूरत नहीं है बाहर जाने की। कोरोना टाइम मतलब कोरोना आए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब फाइनेंशियली भी बेटर है कि आप कराटे का पैसा जो इतना बर्बाद करते हैं उसके बदले एक आपने सॉफ्टवेयर लिया कराटे में जाए। पानी तो दूसरी बात है तो क्योंकि वो फ्लोट नहीं करा पाएंगे, बॉक्सिंग और कराटे तो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बड़ा ही मजेदार था, अमेजिंग था, अमेजिंग हमने देखा हुआ था पर हमें इतना नहीं पता था इतना एडवांस हो गया, वो बड़ा सरप्राइज लगा हमें। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।